हाय व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE की ब्रांड NXT और AEW के बीच चल रही वेंसडे नाइट वॉर के बारे में। AEW डायनामाइट्स, जिसे शॉर्ट में AEW भी कहा जाता है, जो कि ऑल एलीट रेसलिंग का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में एक नई रेसलिंग कंपनी के तौर पर उभर कर सामने आई है। का आगाज़ 1 जनवरी 2019 को हुआ। AEW डायनामाइट्स के ऑनर पाकिस्तानी नज़ाद शाहिद खान हैं, जबकि WWE के जाने पहचाने विंस मैकमैन। एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने के साथ AEW डायनामाइट्स की WWE से मुकाबले करने की हुई शुरुआत। इससे पहले 1991 से 2000 तक रहने वाली WCW ने WWE को काफ़ी मुश्किलात में डाला था। AEW डायनामाइट्स, जिसने हाल ही में WWE के काफ़ी नामवर रेसलर्स को साइन किया था, जिनमें क्रिस जेरिको, डीन एम्ब्रोस, कोडी रोड्स, डस्टिन रोड्स और मैट हार्डी शामिल हैं, जिन्होंने रिसेंटली WWE को खैराबाद कह दिया था। आने वाले वक्तों में भी WWE के कई नामवर सुपरस्टार की AEW में शमूलियत की खबरें हैं। इस कश्मकश को लेकर AEW और WWE के बीच चल रही है वॉर, जिसका नाम दिया गया है वेंसडे नाइट वॉर। फिलहाल ये वॉर AEW डायनामाइट्स और WWE की ब्रांड NXT के बीच है। दोनों ब्रांड्स वेंसडे को ही करते हैं अपना प्रोग्राम ऑन एयर, और हर जीत का फैसला होता है टेलीविजन की व्यूअरशिप से। अब तक AEW और NXT के बीच 29 वेंसडे मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें AEW डायनामाइट्स की जीत सबसे ज़्यादा बार हुई है, जो कि 23 बार, और WWE NXT सिर्फ 5 बार जीती है और एक वेंसडे टाई रहा है। इन मुकाबलों में AEW डायनामाइट्स का एवरेज व्यूअरशिप 9 लाख रहा है, जबकि WWE NXT का 7 लाख रहा है। AEW डायनामाइट्स का अगला हदफ WWE की रॉ ब्रांड और WWE की स्मैकडाउन ब्रांड हो सकते हैं, जिनका एवरेज व्यूअरशिप 20 लाख के करीब होता है। आने वाले वक्तों में AEW डायनामाइट्स WWE को मात दे पाएगा, या फिर WWE हमेशा की तरह रहेगा फॉर एवर। व्यूअर्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।